इंदौर पावन सिद्ध धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पारंपरिक गौरवशाली रथ यात्रा गोविंदा गोविंदा के महा जय जयकार के साथ निकली। रथ यात्रा में बारिश में भी भक्तों का जैन सैलाब प्रभु के दिव्य दर्शन करने को उमड़ पड़ा। हर भक्त की निगाह ठाकुर जी की एक झलक पाने को अपलक रही थी। हर भक्त के मन दिल और नेत्र में भी प्रभु वेंकटेश नजर आ रहे थे। भगवान वेंकटेश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर में पूरे लाव लश्कर के साथ रजत रथ में सवार होकर भ्रमण पर निकले। साथ में परम पूज्य अनंत ऋषि विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजनाचार्य श्री नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज यात्रा में पैदल भक्तों के बीच आशीर्वाद प्रदान करते चल रहे थे और भक्त गुरुदेव के चरणों का पूजन चरण स्पर्श कर रहे थे। इसके बाद वेंकटेश गोविंदा के उद्घोष के साथ रथ यात्रा शुरू हुई। नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज मनीष लाठी परिवार व समता दीपक जैन श्रीजीत झवर के साथ वेंकटेश मंदिर ट्रस्ट कमेटी रविंद्र धूत एवं ब्रह्मोत्सव रथ यात्रा महोत्सव समिति के महेंद्र नीमा पुखराज सोनी विजय सोमानी पंकज तोतला पवन भलीका सुनील अग्रवाल सूर्य प्रकाश झवर रथ का पूजन किया गया। इसके बाद वेंकटरमणा गोविंदा के उद्घोष के साथ रथ यात्रा शुरू हुई। फिर तो रथ यात्रा जब भी जिस भी क्षेत्र पहुंची वहां वेंकटरमणा गोविंदा के उद्घोष के साथ पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। नागरिक यात्रा में साथ में जुड़ने लगे और कारवां बढ़ता चला गया। इस रथ यात्रा में शुरुआतों से ही हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी बढ़ता जा रहा था। इस व्यापक जन समूह के बीच यात्रा की व्यवस्थाओं की कमान अशोक डागा कैलाश मुंगर राम सोमानी चेतन लड्ढा ने बताया। रथ यात्रा छत्रीबाग से होकर नरसिंह बाजार शीतला माता बाजार गौरकुंड चौराहा शक्कर बाजार बड़ा सराफा पीपली बाजार बर्तन बाजार बजाज खाना साठा बाजार से होते हुए पुनः मंदिर में आई। इस रथ यात्रा के मार्ग में करीब 200 स्थानों पर मंचों से इस रथ यात्रा का भव्य पुष्पों के साथ स्वागत किया गया। जगह जगह परिवारों व व्यापारियों द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों ने बाजारों में रथ यात्रा का स्वागत किया व प्रभु का सत्कार किया। साथ ही पूर्व मार्गों पर स्वागत द्वार ध्वज पताकाएं विद्युत सज्जा भी की गई थी। इस यात्रा में 200 कार्यकर्ता वाकी टाकी के साथ व्हाट्सएप पर लगातार जानकारी अपडेट कर व्यवस्था को संभाल रहे थे। सुंदर संदेशों के साथ निकाली यात्रा में झांकियां। धार्मिक यात्रा में देश की प्रगति उन्नति के लिए भी संदेश प्रमुखता से दिया गया। रथ यात्रा में गौ माता की रक्षा करने और हर दिन के चूल्हे की पहली रोटी गाय तक पहुंचाने की अपील को मार्मिकता के साथ उठाया गया। इंदौर के स्वच्छता अभियान में शहर को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला व स्वच्छता बनी रहे इस पर भी देश के हित में आत्मसात करने की अपील भी की गई है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को इंदौर को ग्रीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया गया। रामानुज संप्रदाय की दिखी झलक। रथ यात्रा में रामानुज स्वामी जी को भी झांकी के माध्यम से रथ में विराजमान किया गया था। साथ ही सभी भक्तों को एकता का साथ ही रामानुज स्वामी जी द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया गया जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा में दो बड़े ट्रालों पर बड़ी एलईडी लगाई गई थी। इस एलईडी में रथ यात्रा का लाइव प्रसारण चला। इसके साथ ही इस पर रामानुज संप्रदाय नागौरिया मठ व देश भर के स्थानों की जानकारी भी दी जा रही थी और पूरे देश भर में यूट्यूब के माध्यम से लाइव दिखाने की व्यवस्था भी की गई थी जो मार्ग से लाइव किया जा रहा था। सबसे आगे राजकमल बैंड जो कि आकर्षक रूप से अपनी विशेष भजनों की प्रस्तुति के साथ ही भक्तों को लायलित कर रहा था। इसके साथ 21 घोड़ों पर धार्मिक पताका लिए कमांडो की विशेष पोशाक में सवार किए गए थे।
साथ ही देश भर से पधारे संत बगियों में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। इसके पीछे चांदी के ठाकुर जी की सवारी के वाहन के रूप में गरुड़ वाहन, हनुमान वाहन, अश्व वाहन, गज वाहन, मंगलगिरी होंगे। इन वाहनों पर ठाकुर जी के चित्र जी विराजित थे। भजन मंडली देवास से पधारे द्वारका दास मंत्री की भजन मंडली भक्तों के सैलाब के साथ भजनों की रस रंगा प्रवाहित कर रहे थे, जिसमें महिलाओं का विशाल समूह साथ ही युवतियों के समूह नृत्य कर रहे थे। किसी के भी पांव आज रुकने को तैयार नहीं थे। हरि किशन साबू भोपू जी द्वारा भी विशाल जन समुदाय जी साथ भजनों की मद मस्त बारिश कर रहे थे, जिसमें सभी भक्त झूमते गाते नाचते नजर आ रहे थे। दक्षिण भारत इलकल से भी भजनों के गुणगान के लिए भजन मंडली का समावेश किया गया था। भजन से इंदौर में भजन गायक पीयूष भावसार और राजकुमार शर्मा ने भी भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। इन सबके साथ नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पूरे लाव लश्कर के साथ छत्री छत्र के साथ एक बड़े से भक्तों के समुदाय में चल रहे थे। रथ के आगे विशेष रूप से मुंबई से आए 80 कलाकार लड़के व लड़कियों की प्रस्तुतियां देखने लायक थी, जो सबका मन मोह रही थी। बड़े बड़े ढोलक और ध्वज एक साथ निकले प्रभु वेंकटेश के आगे, बिल्कुल आगे प्रभु के पधरावाने के लिए गुलाब जल से भरे टैंकर से पानी डालकर केशरिया कलर की एक जैसी साड़ियों में अनेक महिलाओं द्वारा यात्रा मार्ग को झाड़ू लगाकर साफ किया जा रहा था। उसके पीछे सजे धजे रथ में प्रभु वेंकटेश श्री श्री देव श्री भूदेवी के साथ शेष पर विराजमान भक्तों को दर्शन देकर चल रहे थे। हजारों लोग प्रभु के इस दिव्य रथ को अपने हाथों से खींच रहे थे। साथ ही अनेक भक्त रथ पर सिर टिकाकर प्रभु से मंगल कामना कर रहे थे। रास्ते भर अनेक जगह पर भक्तों द्वारा थाली सजाकर प्रभु की आरती भी की जा रही थी। पूरे यात्रा मार्ग को भगवा ध्वज पताका के द्वारा सजाया गया था। 5 जुलाई शुक्रवार का महोत्सव सुबह 9 बजे से रजत कलशों के प्रभु को माखन लगाकर शांति अभिषेक किया जाएगा। उसी के साथ महोत्सव का समापन वहीं तो खड़ी रहे, फोटो तो खींच लेते। अरे कालू आदमी आ गया यार, इधर आ जाओ वंदना, इधर देख, लो इधर देखो, इधर मैं फोटो खींच देता हूँ, इधर देखो, इधर इधर देखो, आ जाओ।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.